हाय फ्रेंड्स, मैं सुबह यहाँ पे मतलब एक वो जा रहा था पुणे के लिए, तो मुझे हाईवे पे ये आर्ट दिखा और ये आर्ट मुझे इंटरेस्टिंग लगा और मैं सोचा कि आपको दिखाऊँ। तो ये एक्चुअली वॉइस ओवर है, मैंने अपना वॉइस म्यूट किया और ये बताने के लिए भी वीडियो बनाया क्योंकि मैं बीमार था और थोड़ा मतलब क्या बोलते हैं उसको, लचक भर गया था मेरे चेस्ट में, तो बहुत तकलीफ हो रहा था। मैंने वीडियो बहुत डाला नहीं, मेरा लेट हो गया वीडियो डालना और मंदिर का वीडियो डालना भी लेट हो गया। तो मैं आपको ये भी मैसेज देना चाहता था कि मैं आ रहा हूँ जल्दी। मैं आपको प्रॉमिस दिया कि मैं हर हफ्ते एक वीडियो डालूंगा और मैं डालने वाला हूँ, तो ये वीडियो इससे पहले डाल रहा हूँ कि ताकि आपको पता चले कि मैं हूँ और वापस आने वाला हूँ, और मैं कभी अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ता। मैं वीडियो अपलोड करूंगा ही करूंगा। तो ये आर्ट दिखा, ये किसान है और उसके किसान के अंदर पृथ्वी है दुनिया, और किसान का बेटा उसके पीछे बेटा जो पढ़ाई कर रहा है, उसके हाथ में लैपटॉप है और किसान की बीवी साथ में, और वो भी उसके साथ श्रम करती है, उसको मदद करती है। तो ये काफी मीनिंगफुल लगा मुझे ये आर्ट। मैंने बहुत सारे आर्ट देखे हैं लेकिन वो मुझे मॉडर्न आर्ट बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन ये आर्ट कहीं भी दिख जाएगा आपको, जरूरी यही पे मतलब दिखना चाहिए। कहीं एक एक ही आर्ट दो दो जगह पे होता है आजकल, तो काफी मीनिंगफुल। मतलब कैसा किसान बिल्कुल मेहनत करता है, वो पूरा अपने खून पसीना बहाता है, पूरी दुनिया को खिलाता है, और उसकी बीवी भी उसके काम में उसके दिन, शायद वो पढ़ा लिखा नहीं लेकिन उसका बेटा जो पीछे बैठा है वो लैपटॉप पे पढ़ाई कर रहा है, मतलब वो अपने बच्चे को पढ़ाना चाहता है, और शायद उसका बच्चा पढ़ने के बाद खेती नहीं करेगा। तो ये अच्छी बात नहीं, क्योंकि फ्यूचर में मैं सोचता कि आने वाला जो किसान होगा काफी पढ़ा लिखा होगा और खेती भी फ्यूचर है। मैंने अपने भाई को भी बताया लेकिन मेरा भाई शायद मानता नहीं, एक दिन मानेगा जरूर कि इटली में जैसे पढ़े लिखे लोग, ग्रेजुएट लोग और इंजीनियर लोग खेती में जा रहे हैं, अब हमारे देश में भी ऐसा होने वाला है, जरूर होगा। और मैंने सुबह इसलिए इसके शूटिंग लिया, मेरे ख्याल से सुबह के 4 बजे, क्योंकि यहाँ पे बहुत भीड़ होती है और मैं पुणे जा रहा था तो मुझे अचानक दिख गया, तो इसलिए इसके वजह से मैंने इसको ये किया। मुझे आर्ट काफी अच्छा लगा ये, और बहुत सारे मीनिंग लगा सकते हैं। सिर्फ एक कमी इसमें, अगर किसान के बेटे को जवान दिखाते तो बहुत अच्छा था, क्योंकि अगर किसान के बेटे या तो किसान बनेगा तो या तो जवान बनेगा। मेरे भाई भी और चाचा भी फौजी थे, तो वो कौन थे, किसान के बेटे ही थे। तो एक किसान को बेटे को एक दो बेटे दिखाना चाहिए, एक जवान और एक शायद पढ़ लिख कर खेती में जाने वाला है जो खेती कर रहा है, ऐसा दिखाना चाहिए था। ठीक है, फिर भी आर्ट बहुत असर, कई तरीके से इसके मीनिंग लगाना चाहिए था, क्योंकि हमारा देश आजकल भूल चुका है जो हमारा एक्चुअली असली नारा था, जय जवान जय किसान, और वो नारा वापस देने की जरूरत है मुझे, और ताकि लोगों को पता चले कि हमारा असली नारा था जय जवान जय किसान। इस देश में किसान और जवान को लोग लिटरली पूछते हैं क्यों नहीं, क्योंकि ये दो लोग देश को बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं इसमें बिलीव करता, सिर्फ मैं करता नहीं, मैं खुद भी खेती सीखने वाला हूँ और खेती फ्यूचर है और सबको करना चाहिए, सबको खेती में आगे बढ़ना चाहिए। मैं इसमें सही में विश्वास रखता हूँ और सबको इंकरेज भी करूँगा। आखिर बोलूंगा जय जवान जय।